यारों सब ठीक ठाक हो। तो 2017 की मूवी आफ्टरमैथ आज इसको अमेजोन प्राइम इंडिया पर रिलीज किया गया और इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया। तो क्या इस मूवी पर आपका टाइम देना सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो चलिए बात करते हैं। आफ्टरमैथ में स्टोरी मेन फोकस करती है रोमन नाम के करेक्टर पर, जो कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है। तो वो उसकी वाइफ और जो कि बेटी जिस प्लेन में आ रही होती है वो हो जाता है क्रैश। तो उसमें काफ़ी पैसेंजर्स होते हैं जो कि मर जाते हैं। तो अब ये जो भाई अर्नॉल्ड यानी कि रोमन साहब है, ये वहाँ पर फ्लाइट कंट्रोलर जैकअप पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो क्या वो वाकई जिम्मेदार होता है? तो यही सब फाइंड आउट करने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा और आपको अपना 1 घंटा 40 मिनट देना पड़ता है। तो भाई मूवी के एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस मूवी को देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा। मूवी का फर्स्ट हाफ ही बहुत ज़्यादा स्लो है। जो कि दो मेन करेक्टर हैं इस मूवी में अर्नॉल्ड यानी कि रोमन, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाते हैं इसको बुलेट करने के लिए, और जो कि जैकअप का करेक्टर है, यही दो करेक्टर है मेन जो कि आपस में ही इनका क्या चलना है, तो यही सब देखने को आपको मिलेगा। 100 क्वेश्चन है जो इस मूवी में नहीं दिए गए, और जो कि करेक्टर डेवलपमेंट है इस मूवी में बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी करेक्टर से जुड़ते नहीं हैं, यानी कि मौतें हुई पड़ी है फिर भी आप ये जो अर्नॉल्ड साहब है इसके करेक्टर से कोई जुड़ नहीं सकते। तो मूवी बहुत ही ज़्यादा स्लो है। मूवी का जो जॉनर है थ्रिलर, तो मेरे को इस मूवी में कुछ भी थ्रिलर देखने को नहीं मिला, और उसका परफॉर्मेंस भी इतना बढ़िया नहीं है। तो ज़्यादातर लोग यही इसी वजह से मूवी देखने वाले थे कि भाई अर्नॉल्ड इसमें हीरो है, तो बाकी वो वाला मज़ा आपको नहीं देगा जो कि अर्नॉल्ड मूवीज़ में देता है। तो अगर मुझे इस मूवी को रेटिंग देनी हो 5 में से तो 2 रेटिंग दूंगा। तो चलिए वीडियो करते हैं यहीं पर खत्म। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।